इधर है ककाड़ चिंद जुलाना की टीम हरियाणा, और इधर है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश लखावटी की टीम। बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। कुछ ही क्षण में वो मुकाबला जिसका सभी इंतजार कर रहे थे आपके बीच ऑफिशियल सच चुके हैं, स्कोरर सच चुके हैं, और दर्शकों ने अपनी सीट पर बेड़ियां बांध ली हैं, क्योंकि ये मुकाबला बेहतरीन देखने को मिलेगा। जिंद जुलाना ने टॉस जीता था ककाड़ी की टीम ने, और पहली रन छोटू 10 नंबर खिलाड़ी, बहुत जबरदस्त गेम मिलेगा देखने को भाई। इलेक्ट्रिक छोटू 10 नंबर खिलाड़ी, बेहतरीन खिलाड़ी है। अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो एक बार यहाँ टेबल के पास आ जाएं, जो यहाँ ग्राउंड पे लखावटी की तरफ से कमाल का एक बिजली का काम देख रहे हैं लखावटी के, वो एक बार टेबल के पहली रेड एम्प्टी रेड। अक्षय 2 नंबर खिलाड़ी ककाड़ी की तरफ से बेहतरीन खिलाड़ी, क्या बेहतरीन पकड़ है गौरव, जिस नाम के लिए और काम के लिए जाने जाते हैं वही काम करते हुए खाता खुलता हुआ लखावटी का। आजाद प्रो कबड्डी स्टार है, आजाद कमाल का खिलाड़ी, बेहतरीन स्टार। आज के दिन का अंतिम मैच, क्या पेश चलेगी, कल पूरे बड़े मुकाबले होंगे, जबरदस्त मुकाबले होंगे, बिल्कुल टोटल डू और डाई पर चलेगा मुकाबला। ये बेहतरीन मुकाबला है, एक तरफ डिफेंडर है तो दूसरी तरफ रेडर, और रिंकू 10 नंबर खिलाड़ी गौरव पर प्रयास, लेकिन उससे भी बेहतरीन बचाव जिस तरह का बचा, और रेडर का प्रयास था उसी तरह का बचाव। 10 नंबर खिलाड़ी कमाल का एक खिलाड़ी, एक और एमपी रेड, और डू और डाई रेड आनी है, ये डू और डाई होगी मेरे हिसाब से, थर्ड रेड डू और डाई रेड आ जाता एक्शन में। डबल फाइव नंबर बहुत बढ़िया, क्या बेहतरीन डैश है, स्कोर को कर दिया है बराबर, जबरदस्त डैश, वन मार्क पॉइंट मिला है, बोनस मिला था आजाद को, अभी भी लीड में लखावटी की टीम, वन पॉइंट मिला था, बोनस जरूर मिला था, लेकिन उससे भी बेहतरीन डैश। तीन नंबर खिलाड़ी पहली बार रेड में ककाड़ी की तरफ से, जिंद जुलाना ककाड़ी वर्सेस लखावटी के बीच चलता हुआ ये मुकाबला, हरियाणा वर्सेस बुलंदशहर, बेहतरीन मुकाबला। छोटू एक बार फिर एक्शन में है, 10 नंबर खिलाड़ी कमाल का ही खिलाड़ी है, और प्रदर्शन भी कमाल का करता है, लेकिन यहां पे इस नहीं चली अभी तक, पॉइंट नहीं मिला है। थर्ड राइट डू डाई राइट, रिंकू रिंकू एक्शन में, बोनस की कोशिश करते हैं लेकिन बोनस लेने नहीं देंगे। गौरव का क्या डुबकी लगेगी, डुबकी जरूर लगाई थी, लेकिन गौरव का और लक्ष्य का बेहतरीन टकल, एक और पॉइंट, जबरदस्त प्रदर्शन दोनों ही टीमों की तरफ से, कोशिश दोबारा करते हुए धीरे धीरे मार्जिन कम करते हुए लीड बनाने की कोशिश में आगे बढ़ते हुए, लेकिन 10 नंबर की जर्सी से फुर्ती ने खिलाड़ी छोटू कमाल का प्रदर्शन करता है, लेकिन क्या यहाँ वही प्रदर्शन बरकरार रखेगा, टोटल डू और डाई पर दोनों टीमें, क्योंकि डिफेंस बेहतरीन दोनों ही टीमों का। अक्षय 2 नंबर खिलाड़ी एक बार फिर एक्शन में है, क्या बेहतरीन टच पॉइंट है, और बाहर किया है अर्जुन को, स्कोर 3-2 हो चला है, बेहतरीन मुकाबला हो चला है, क्या बेहतरीन डुबकी है, क्या जबरदस्त प्रदर्शन, 2 पॉइंट
आजाद का कमाल का प्रदर्शन है और जिंद जुलाना का काली वापसी करने में माहिर है। क्या वापसी करेगी यहाँ से लाइटमैन? अगर मेरे बात सुन रहे हो तो स्टेज का लाइटमैन अच्छे फॉरम के सामने है। क्या बेहतरीन डिफेंस है लगातार, ये तीसरा पॉइंट है डिफेंस की बात करें और तीनों पॉइंट गौरव के नाम। स्कोर करीब 6-2 के आसपास। ये जरूर पकड़ देनी है बेहतरीन, मोहित कमाल का प्रदर्शन। एक पॉइंट और, छह पांच स्कोर हो चला है, बेहतरीन ये स्कोर हो चला है। पांच उधर का बहुत बेहतरीन मुकाबला। एम्पायर वार्निंग ग्रीन कार्ड मिला है 11 नंबर तीन नंबर खिलाड़ी, 5 का डिफेंस। बेहतरीन जबरदस्त गेम, स्कोर 1 पॉइंट और। बिल्कुल हिट कर दिया है ये पॉइंट और स्कोर मेरे हिसाब से बराबर हो गया है। छह छह इक्वल, छह छह दोनों टीमों को इक्वल, छह छह स्कोर पे दोनों टीमें बराबर। बराबर जोश, बराबर तालिकाएं, बहुत बढ़िया। भीड़ दिखाई थी मोहित को और मोहित ने कमाल का प्रदर्शन किया और एक पॉइंट और। मैंने पहले ही बताया था मोहित को बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड मिला था और अनुभव जो भी साथ में नहीं, बेहतरीन सुपर टैकल अवार्ड। 3 नंबर खिलाड़ी एमटी रेड, पहली बार ककाली की टीम लीड में आती हुई 7-6 स्कोर फेवर इन ककाली। टाइम आउट लिया है टीम कैसी भी सही, कोई सुपर टैकल ऑन। अक्षित 2 नंबर खिलाड़ी सुपर टैकल ऑन एक बार फिर, बेहतरीन ये मुकाबला। क्या बेहतरीन पकड़ है, क्या बेहतरीन टैकल है, कमाल का ये टैकल। बिल्कुल अगर हाथ निकलता, ये चौथा टैकल है गौरव का और डिफेंस की बात की जाए तो सारे मुझे लगे 4 टैकल किए हैं डिफेंस ने अभी तक। बेहतरीन मुकाबला, स्कोर हो गया है 7-7 बराबर। दोनों टीमें 7-7 स्कोर बराबर, पूरे बोनस ऑन 6 का डिफेंस। ये उत्तराखंड में खेल के आई है दोनों टीमें, फाइनल जो फाइनल की टीमें हैं। एक और एमपी रेड देखने को मिलेगी छोटू एक बार फिर, थर्ड रेड टू अटाई रेड। बेहतरीन टैकल मोहित का, जबरदस्त प्रदर्शन। राइट कॉर्नर में मोहित कमाल का प्रदर्शन करता है और लेफ्ट कॉर्नर में गौरव, दोनों तरफ डिफेंस कमाल करता हुआ, लेकिन रेडर को इस मुकाबले में कुछ नहीं मिला है। आजाद बाहर बैठे हुए, 2 पॉइंट की मल्टी पॉइंट रेड की थी। एक और सुपर टैकल मिलेगा देखने को, बिल्कुल कमाल का प्रदर्शन।
और हाई बाई कर दिया है गौरव ने, 5 पॉइंट डिफेंस में, 5-5 गौरव के नाम। मैं अपनी जो टेक्निकल ऑफिसर टीम है उसका बार बार धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज के इस पूरे टूर्नामेंट को बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत ही अच्छे ढंग से जिस तरह से चलाया है, कोई विवाद नहीं। रिंकू 10 नंबर खिलाड़ी फिर एक बार एक्शन में है। रिंकू का एक्शन देते ही बनता है अच्छा फुटबॉल। 4 का डिफेंस, क्या एक और पॉइंट, क्या बेहतरीन प्रदर्शन है, कमाल का ये प्रदर्शन गौरव का। 6 पॉइंट, ये पॉइंट खिलाड़ी सबसे बहस नहीं करेंगे। डिफेंस की बात करें तो ऑफिसर के पास नंबर नोट रहते हैं हर खिलाड़ी के, वो नंबर से ही भेजेंगे, तो कोई आर्गुमेंट की गुंजाइश ही नहीं है। दो ढाई का इंतजार और टाइम आउट लिया है गौरव ने लखावड़ी की तरफ से। बहादुरी 8-11 स्कोर फेवर लखावड़ी, 3 पॉइंट की लीड जरूर है, लक्ष्य है 12 नंबर खिलाड़ी, क्या स्कोर को 12 करेंगे, समय काट कराएंगे। 5 का डिफेंस है लेकिन मोहित के सामने पेश नहीं जाएगी और स्कोर हो गया है 9-11। एक तरफ से गौरव तो दूसरी तरफ से मोहित, दोनों तरफ से कमाल का डिफेंस। अक्षय 2 नंबर खिलाड़ी, 2 नंबर खिलाड़ी रेड डालते हुए गौरव टैकल करते हैं लगातार सेंटर लाइन के पास, और डिफेंडर टीम के पास भी युद्ध की सी आंखें। शानदार मैच आपके सामने हो रहा है, ये चैंपियंस के बीच में। आप एक मोशन में हो, 3 पॉइंट की रेड की है, लास्ट खिलाड़ी बचे हुए हैं अर्जुन। एक और बेहतरीन टैकल, ऑल आउट मिलता हुआ पहला ऑल आउट लखावड़ी को। क्या बेहतरीन टैकल, लगातार लगातार डिफेंस कर रहा है काम। थोड़ा ज्यादा लेफ्ट ऑर्डर, बहुत क्लोज मैच, बहुत बढ़िया। आजाद और गौरव कमाल का प्रदर्शन, लेकिन अभी तक शांत रखा है आजाद को कगाली के डिफेंस ने। 1-2 रेड बेहतरीन की है और वो डुब की जो की थी वो कमाल की थी। एक बार ऑल आउट हो चुकी है लखावड़ी की टीम। क्या बेहतरीन है टच, और इस बार बाहर किसे किया है, मोहित को बाहर किया है, और मोहित को बाहर करने का मतलब है कि आप वापसी कर सकते हैं। बेहतरीन मध्यांतर के बाद एक बार फिर गेम स्टार्ट, बेहतरीन मुकाबला। पंद्रह 13 लखावड़ी 2 पॉइंट से पिछड़ता हुआ, और गेम एक बार फिर स्टार्ट होता हुआ। अक्षय 2 नंबर खिलाड़ी, कमाल का खिलाड़ी, लेकिन थोड़ा हाथों का फैलाव करे तो कुछ चांसेस और एक रनिंग टच ले सकते, बहुत बहुत बढ़िया। लेकिन इस मुकाबले में डिफेंस की तारीफ करनी होगी, और खासकर दोनों ही तरफ से
और ये जो दो पॉइंट का जो अंतर है वो अंतर है मात्र बोनस का, जो ऑल आउट के बाद दो बोनस के पॉइंट मिले थे उसका अंतर है। और इन पीरियड हमें आजादी की तरह रहती है अपना, फिर 15 स्कोर अभी भी, कोशिश पूरी लेकिन डिफेंस का पूरे मोड और मजबूती ये है कि मोहित को बाहर बैठा के रखा है लखावड़ी की टीम ने, लेकिन उन्हें खाली आ जाना पड़ेगा 3 नंबर की जर्सी से। बहुत बढ़िया, समय को थोड़ा धीरे धीरे गुजारने की कोशिश, और एक बेहतरीन डुबकी है, कमाल की डुबकी, धीरे धीरे पिछड़ता हुआ लखावड़ी की टीम, लेकिन एक और बेहतरीन डबल थाई होल्ड, बहुत बढ़िया मारा थाई पर गए, नी को होल्ड किया और कमाल का ये टैकल छोटू फिर 5 नंबर की जर्सी से जबरदस्त डबल थाई होल्ड, एक बार फिर धीरे धीरे स्कोर और गेम को और गर्माहट लाते हुए डबल डिफेंस के साथ, बहुत बढ़िया समय निकालते हुए, लेकिन एक और रनर को दिया है आउट, बेहतरीन डैश, तो दे दिया बहुत बढ़िया टाइम ही, लेकिन कैमरा ही दिखा सकता है आजाद फिर एक्शन में, क्या बेहतरीन 2 पॉइंट पेश कर दिया है और दो पॉइंट अपनी टीम के लिए जोड़ते हुए, थाई पर गए सामने से आए सिंगल थाई होल्ड करना चाहते थे और एक और पॉइंट 2 पॉइंट के साथ आजाद, शॉट का डिफेंस बोनस ऑन कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर पर टॉप पे ना पूरा रनिंग टच में भी कुछ नहीं और ये एम्प्टी रे, एक बार फिर आजाद फिर टॉप की कोशिश के लिए, लेकिन 4 का डिफेंस बोनस मिलेगा नहीं, 2 की चेन लेफ्ट में 2 की चेन राइट में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन एक लंबा हाथ मारने की कोशिश लेकिन नाकामयाब, रिंकू कुछ सोच के जाते हुए और इस बार बेबी ये लग रहा है कि दो टाई पे ही खेलना चाहेंगे दोनों टीमें, गौरव जाएंगे गेल से लो करके आएंगे क्योंकि डू और डाई का सामने से इंतजार, डू और डाई करो या मरो और करने की कोशिश सबकी है दोनों टीमें करने के मुद्दे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, डू और डाई 2 पॉइंट और रिस्क लेना था राइडर को, यहां रिस्क लेता हुआ डिफेंस बहुत जबरदस्त, 2 पॉइंट और बेहतरीन एंकल होल्ड जबरदस्त प्रदर्शन, लेफ्ट कॉर्नर की बात करें तो 1 नंबर खिलाड़ी मुकाबला बराबरी के आसपास नजर आ रहा है, स्कोर नजर आ रहा है, स्कोर थोड़ा बताते रहे बीच बीच में, जोश बढ़ता रहे खिलाड़ियों में दर्शकों में, बेहतरीन प्रदर्शन जबरदस्त गेम दोनों ही टीमों का, लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ बोनस का प्रयास, बोनस लिया है बोनस, बोनस लगाउट में जाते होंगे आजाद, आजाद कभी आजाद नहीं है, 4 का डिफेंस
17-21 स्कोर फेवर इन जिंद जलाना ककाड़ी। तीन नंबर के जर्सी से बहुत बढ़िया चोट अच्छी कोशिश बिल्कुल कॉर्नर पे जाके अंदर की तरफ सामने नजर लगाते हुए बहुत रनिंग शाबाश बहुत बढ़िया पूरा हल हल्के पे जाके एक और एंकल होल्ड गौरव का बेहतरीन पकड़ लेकिन मेहनत बहुत अच्छी लेकिन सपोर्ट बेहतरीन प्रदर्शन बहुत बढ़िया आजाद एक फिर एक्शन में सोच रहे हैं कि किस एंकल को किसको ये प्लान पहले से करके आते हैं चौमुखी प्रतिभा आगे भी और पीछे भी देखते हुए रनिंग टेस्ट की कोशिश उसका प्रयास डाउटफुल डाउटफुल कॉर्नर का कुछ एक बार देंगे आपके शेल्फ आउट हुए हैं लॉबी में गए सेल्फ बॉनस की पाई तो की थी लेकिन गिरे नहीं कर पाए बहुत बढ़िया अच्छी देखभाल अच्छे देखभाल फिर दो नंबर खिलाड़ी बराबर बहुत ही क्लोज चल रहा है मैच बराबरी के काम पर वापसी जबरदस्त लेकिन दोनों टीमें ज्यादा अंक गंवाना नहीं चाहती और ये दो ढाई की ट्राई करेगी दो ढाई पे ही हम मैच को पॉइंटों को कैश किए जाए चार का डिफेंस दो की चैन लेफ्ट में दो की चैन राइट में बहुत बढ़िया क्या मिलेगा पॉइंट चैन को तोड़ना मुश्किल है लेकिन कोशिश पूरी करेंगे आई थिंक रिंकू डोर डाई में डोर डाई बहुत बढ़िया और रिंकू और बहुत बढ़िया ये एक पॉइंट और दिया है बहुत बढ़िया एक खिलाफ एक पॉइंट और बहुत अच्छा एक काम लखाव डी की टीम यहां से धीरे धीरे गेम से बाहर होती हुई लखाव डी की टीम थोड़ी सी अब बहुत कोशिश लेकिन रनिंग ज्यादा होने एक और सेल्फ आउट दो खिलाड़ी बचे हुए हैं दोनों मैंड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बोनस दिया है लेकिन बोनस से रिवाइवल नहीं मिलेगा टच पॉइंट लाना होगा अगर रिवाइवल चाहिए तो यहां से अरे एक और ऑल आउट जिसका खतरा मंडरा रहा है वो हो जाएगी टीम सुपर रेड कर गए हैं अर्जुन ने सुपर रेड कर दी है और जो ऑल आउट का खतरा मंडरा रहा था उसे कुछ हद तक के लिए टाल दिया है सुपर रेड हुई बोनस प्लस टू और ऑल आउट का खतरा जो मंडरा रहा था उसे टाल दिया 21-25 स्कोर अभी भी चार पॉइंट के लिए जुलाना का काड़ी के पास सुपर टैकल ऑन लेकिन करने की कोशिश में लेकिन डिफेंस पूरी कोशिश एक एक अंक के लिए फाइट हो रही है सुपर टैकल ऑन लेकिन खाली हाथ बिल्कुल गुलाटी लखावटी पांच का डिफेंस पांच मिनट का समय से और चार पॉइंट के लिए आज के 25 जुलाना 21 लखावटी और 25 मात्र चार पॉइंटों का अंतर लखावटी कोशिश करे तो ये मैच में 5 मिनट में बहुत अच्छा रोमांच पैदा कर सकती है और 5 मिनट तो बहुत ज्यादा है एक रेडी आपने 10 पॉइंट अर्जित करा सकता है तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए टीमें बराबरी की दोनों टीमें लास्ट मिनट तक खेलेंगी बहुत बढ़िया डोर डाई का इंतजार और सुपर टैकल अगर यहाँ समय टाइम आउट लिया है थर्ड रेड डू और डाई रेड और रिंग को एक्शन में है कोशिश पूरी कर रही है
हिम्मत नहीं आ रही है और ये दो पॉइंट और टू व डाई रेड थी, रिस्क लेना था रेडर को और रिस्क लिया डिफेंस ने। इधर भी डू डाई बोनस दिया है, बोनस से रिवाइवल नहीं मिलेगा, क्या वो काम करेंगे जो अर्जुन ने किया था लास्ट चार मिनट अंदर गए और अपने आप को समर्पित कर दिया डिफेंस के हाथों में। एक पॉइंट मिला और दो पॉइंट और मिले बोनस के और एक पकड़ा ककाली की टीम को, एक और पॉइंट विशल नहीं बजी थी उससे पहले रेड की थी, तुम्हारा रेड हो गई है। आठ अंक का अंतर और मिनट है आपके पास ऑलमोस्ट चार, अंतिम दिन का अंतिम मैच, पहले दिन का आखिरी मुकाबला ये, जैसा ही मुकाबला चल रहा है यहाँ से सीधा बोनस प्लस वन, दो पॉइंट और लास्ट तीन मिनट का समय शेष। आजाद बार बार टैकल कर रहे हैं लेकिन आजाद को टैकल करने की क्या जरूरत है, बचाव करना चाहिए, रेडर है मेन रेडर टीम के। आखिरी के तीन मिनट लास्ट तीन मिनट का समय शेष, एक और पल्टी एक और पॉइंट मार्जिन कम करने की कोशिश, आखिर मिनट तक ले जाने की कोशिश, मैच को थोड़ा रोमांच पैदा करेगा, अगर दर्शक थोड़ा ताली और हौसला अफजाई करे टीम का तो शायद ये टीम वापस बैक कर सकती है। विश्वास अंकल पर गए, उन्होंने कोशिश की और बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि लखावटी का यहाँ पर सफर समाप्त होगा। अभी टाइम आउट लिया है ककाड़ी की टीम ने, छोटू एक बार फिर लास्ट दो मिनट का समय शेष, कंधे झुके हुए लखावटी के लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आखिरी दो मिनट एक टच पॉइंट, बूंद बूंद से सागर भरता है लेकिन यहाँ नहीं भरेगा सागर भाई, जिंदगी समय काटते हुए अपनी बढ़त कायम करते हुए बढ़ाते हुए और समय गुजारते हुए अभी रिंकू फिर भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन बहुत बॉडी बहुत चले आई है, ये क्या किया इस सामने से आए और ब्लॉक किया और एक नजरिए कम दे दिया उन्होंने, पांच का डिफेंस लखावटी का यहाँ पर सफर समाप्त होता हुआ लग रहा है। किक लगाई और बेहतरीन, ये हल्के चोटिल जरूर हुए हैं, लास्ट एक मिनट का समय शेष, अंतिम एक मिनट शेष, आखिरी मैच का एक मिनट शेष, ग्रुप मैच कल मॉर्निंग में सुबह 34-27 खेले जाएंगे और कल शाम तक इस टूर्नामेंट का विनर विनर टीम मिल जाएगी हमें, जो कि एक लाख पहला प्रथम इनाम, एक लाख द्वितीय इनाम 51,000, हर शाम की तरह समय समय पर ये एक पॉइंट और दिया है, कमेटी करती रही है और सफर होता है यहाँ पर समाप्त, और बात की जाए तो लखावटी का यहाँ पर भी समाप्त होता है पहले मुकाबले में, जिंद जुलाना सेकंड राउंड में प्रवेश कर गया है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।